पहाड़ों की धूर्त आत्मा। एक दिन एक चोर ने एक मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सारे सोने चांदी के गहने व मंदिर के घंटे चुरा लिए। जब वह सारा सामान लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो एक भूखे शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। शेर ने चोर के शरीर का कुछ भाग खाया और बाकी बचा भाग वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के पश्चात कुछ बंदर उस मृत चोर के क्षत विक्षत शव के पास गए। उन्होंने वहां से कुछ जेवर उठाए और चले गए। एक बंदर ने चांदी का घंटा उठाया और उसके साथ खेलने लगा। उसे घंटे की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद से वह हमेशा उस घंटे को अपने पास रखता था। वह जंगल जहां ये सब हो रहा था एक विशाल पर्वत के ऊपर था। गांव के लोगों को जब पर्वत वाले जंगल से घंटे की आवाज आती तो वे डर जाते। वे सभी इस बात से हैरान होते और इस रहस्यमयी आवाज पर चर्चा करते रहते। एक दिन एक बहादुर युवक ने उस घंटे की आवाज के रहस्य का पता लगाने के लिए उस जंगल में जाने का निर्णय किया। शीघ्र ही वह जंगल में पहुंच गया जहां उसे चोर का क्षत विक्षत शव पड़ा दिखाई दिया। अचानक उसे घंटे के बजने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया किंतु उसका प्रयास विफल रहा। वह घबराकर पर्वत से उतरकर वापस अपने गांव आ गया। उसने गांव वालों से कहा, पर्वत के घने जंगल में एक कुख्यात चोर का शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा है। उसकी आत्मा जंगलों में भटक रही है, वही आवाज उत्पन्न कर रही है। वह धूर्त आत्मा जंगल में आने वाले लोगों को मार देती है। घंटे के बजने का अर्थ है एक और व्यक्ति की मौत। उस नवयुवक की बातें सुनकर गांव वाले अत्यधिक भयभीत हो गए और उन्होंने उस पर्वत पर जाना ही बंद कर दिया। शीघ्र ही यह बात गांव के राजा के कानों तक पहुंची। गांव वालों का भय देखकर राजा ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति पर्वत को उस दुष्ट आत्मा से मुक्त करवाएगा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा शहर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी सुनी। वह आत्मा व भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। घोषणा सुनकर वह तुरंत राजा के पास गई और उस दुष्ट आत्मा का पता लगाने के लिए जाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी औरत पर्वत के उस घने जंगल में पहुंच गई जहां उसने चोर का आधा खाया हुआ मृत शरीर देखा। उसके आसपास अब भी कीमती गहने बिखरे पड़े थे और शेर के पंजों के निशान भी थे। चोर का आधा खाया हुआ शरीर सारी कहानी सुना रहा था। तभी वह बंदर अपने चांदी के घंटे के साथ वहां आ गया। जंगल के अन्य बंदर भी उस घंटे को बजाना चाहते थे, इसलिए वह सब भी उसके साथ चल रहे थे।
यह देखकर बूढ़ी औरत तुरंत सारी घटना समझ गई। वह वापस राजा के महल में आ गई। उसने सारी घटना विस्तार से राजा को सुनाई और अंत में बोली, महाराज, वहां अनेक धूर्त आत्माएं हैं, मैं उन्हें वहां से भगा दूंगी और प्रमाण के लिए उनका वह चमत्कारी घंटा उनसे छीन लाऊंगी। ओह, यदि आप यह सब कर सको तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको अपने साथ ले जाने के लिए कुछ लोगों की या किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होगी? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, उन दुष्ट आत्माओं की पूजा करने के लिए मुझे केवल कुछ फल व सूखे मेवों की आवश्यकता होगी। मैं वहां अकेले ही जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरा उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस कार्य के लिए आपको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार वह बूढ़ी औरत पर्वत के उस घने जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर बुढ़िया ने बंदरों को फल व सूखे मेवे खाने को दिए। उन्हें खाने के लिए शीघ्र ही वहां अनेक बंदर एकत्रित हो गए। चांदी के घंटे वाला बंदर भी वहां आ गया। सभी बंदर फल व मेवे खाने में व्यस्त हो गए। नजर बचाकर बूढ़ी औरत ने चांदी का घंटा वहां से उठाया और अपने थैले में छिपा लिया। इसके बाद उसने मृत चोर के आसपास बिखरी कीमती वस्तुओं को उठाया और वापस आ गई। वापस आकर उसने राजा से कहा, महाराज, यह है वह रहस्यमयी घंटा जिसे धूर्त आत्माएं बजाती थीं। मैंने उन्हें पर्वत के जंगल से भगा दिया है। अब वह जंगल में कभी वापस नहीं आएंगी। राजा ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। राजा द्वारा दिए गए उपहारों तथा चोर के पास से उठाई कीमती वस्तुओं से बूढ़ी औरत अपना बाकी का जीवन ऐशो आराम से बिताने लगी।